हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। गोहाने में हुई रैली को जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ जहां दिग्विजय ने बदलाव की राजनीति की बात कही, तो वहीं जेजेपी संयोजक अजय चौटाला ने गोहाने को सत्ता में आने के 12 घंटों के भीतर जिला घोषित करने का वादा किया। छठे चरण के चुनाव में महज एक हफ्ता रह गया है, ऐसे में नेता ताम दाम दंड भेद सब कुछ दांव पर लगाए बैठे हैं और अपने विरोधियों को खुद से नीचा और खुद को उनसे ऊपर दिखाने में लगे हैं। जनता के सामने खुद को सत्ता में काबिज होने के लायक दिखाने के लिए आजकल नेता अपनी तारीफ करें या ना करें, लेकिन विरोधियों की बुराई और उन्हें निशाने पर जरूर रखते हैं। और ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिला गोहाना में आप जेजेपी की रैली में, जहां जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के निशाने पर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां रही। आज कुछ भी कहें, 100 से ज्यादा संकल्प बीजेपी ने लिए थे, एक भी संकल्प पूरा नहीं किया। बीजेपी वाले कहा करते थे कि हम सद्भाव उत्पन्न करेंगे, हरियाणवी एक और हरियाणा एक बनाएंगे। अरे हरियाणवी एक और हरियाणा एक तो दूर, आपने ऐसा जहर बीजेपी वालों इस हरियाणा में फैला दिया जिसकी जिसको ठीक करना, जिसका सुधार करना या तो मेरी पीढ़ी के नौजवान जानते हैं या वो कठिनाई आने वाली पीढ़ियों को होगी। आप सहमत हो कि नहीं? 36 बिरादरी के बीच में 35 और एक का नारा देकर, कभी किसी राजकुमार सैन जैसे व्यक्ति को हवा देकर इस हरियाणा के माहौल को खराब करने का काम किया। दिग्विजय चौटाला ने चुनावी रैली के दौरान विपक्षी दलों को खूब ललकारा, पहले बीजेपी पर निशाना साधा, फिर भूपेंद्र हुड्डा को भी आड़े हाथों लिया। आज मैदान के अंदर हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैदान में, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते हैं कि मेरी दो आंख, एक रोहतक है और दूसरी आंख सोनीपत है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक आंख सोनीपत वाली जो है उसका शटर सिर्फ और सिर्फ उसका गेट जो है वो तभी खुलता है जब सिर्फ चुनाव होते हैं, नहीं तो वो 5 साल आंख बंद रहती है कि नहीं रहती है। वहीं उन्होंने 36 बिरादरी की राजनीति की बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति 36 बिरादरी के साथ लेकर चलने को कहा जाता है, सिर्फ एक जाति पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंच पर भावुक होते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जैसे हालात बने हैं उस हिसाब से मैं आपकी सेवा करने सोनीपत आया हूँ। मैं बदला नहीं, बदलाव चाहता हूँ और जेजेपी पार्टी बदले की पार्टी नहीं बल्कि बदलाव की पार्टी है। मुझे पीड़ा होती है, मैं 29 साल का नौजवान हूँ और निस्वार्थ भाव से जो घर में हालात पड़े उस हिसाब से आपकी सेवा करने के लिए आपके बीच में आया, कोई दगाबाजी आपसे नहीं करने आया हूँ। मगर मुझे पीड़ा होती है जब ये लोग कहते हैं कि ये हमारे से बदला लेने आया है। मैं किसी को हराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी बात को पार्लियामेंट तक पहुँचाने के लिए आया हूँ, मैं आपको धोखा देने के लिए आया। वहीं मंच से जेजेपी संस्थापक अजय चौटाला ने भी हुंकार भरी। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनते ही 12 घंटों के भीतर गोहाना को जिला बनाया जाएगा। इस दिन जननायक जनता पार्टी और आम आदमी की सरकार होगी, 12 घंटे को लगे गोहाना जिला होगा। इस दिन जननायक जनता पार्टी और आम आदमी की सरकार होगी, 12 घंटे को जिला। तो चुनाव है और वादों की छड़ी हर नेता लगा रहा है, लोगों से बहुत से वादे किए जा रहे हैं, बात किसानों की भी हो रही है, गरीबों के हितों को साधने की बात हो रही है, बीमार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तक की बात हो रही है, लेकिन सत्ता में कौन आएगा और कौन इन वादों को पूरा करेगा, ये समय के साथ तय होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।